बोले वाला के जेल में भेजवा वाला। देशद्रोही कैसे हो सकता है जिसका बाप फौज में देश के लिए अपना जान निछावर करने के लिए तैयार है। बिहार का लाल है वो, बिहार का धरोहर है, बिहार का जो है भविष्य है। वो संदेश देना मनुष्य का सब चाहते हैं कि मैं भारत का बेटा हूँ, बिहार का बेटा हूँ। देशद्रोही मनुष्य का सब नहीं है। अगर देशद्रोही होता तो बेतिया में जैसे ही ट्रेन से उतरा फूलों की बारिश होने लगी। अरे समैया कैसन, अरे खेला करो वाला, अ सच बोले वाला के, अरे सच बोले वाला के जेल में भेजवा वाला, सच बोले वाला के जेल में भेजवा वाला, सच बोले वाला। हाय रे समैया कैसन, हाय रे समैया कैसन खेला करो वाला, सच बोले वाला के जेल में भेजवा वाला, सच बोले वाला के जेल में भेजवा वाला, सच बोले वाला। सत्य परेशान होला होला ना पराजित, चाहे करावे के हो कितनो बड़का साजिश, चाहे करावे के हो कितनो बड़का साजिश। टिंकू जी, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अपने भी फौसेला, अपने भी फौसेला जे दूसरा के फसवला, सच बोले वाला के जेल में भेजवा वाला, सच बोले वाला के जेल में भेजवा वाला, सच बोले वाला। चलती ना केहू के रहल बाना रहेला, पुरखा पुरनिया लुगवा बतियाई कहला, पुरखा पुरनिया लुगवा बतियाई कहला, पुरखा पुरनिया लुगवा बतियाई कहला। चलती ना केहू के रहल बा ना रहला, आ पुरखा पुरनिया लोगवा बतिया ही कहला। अपने भी जरेला, अपने भी जरेला जे दूसरा के जरवला, आ सच बोले वाला जेल में भेजवा वाला, सच बोले वाला। अरे समय सांच बोले वाला आदमी के आज जेल में भेजवा दिला। पंडे धुरंधर कहे बतिया बिचारी के, भइल बावंत हिजा अति अत्याचारी के, भइल बावंत हिजा अति भइल बावंत हिजा पापी अत्याचारी के, भी उरोवेला खुद भी उरोवेला जे दूसरा के रोवला, सच बोले वाला के अरे सच बोले वाला के, अरे सच बोले वाला के अरे जेल में भेजवा वाला।
बोले वाला जेल में भेजा वाला सच बोले वाला। अरे समैया कैसन, अरे समैया कैसन खेला करो सच बोले वाला जेल में भेजा वाला सच बोले वाला जेल में भेजा वाला सच बोले वाला जेल में भेजा वाला सच बोले वाला। अरे जेल में भेजा वाला सच बोले वाला के, सच बोले वाला के जेल में भेजवा। हायरे समैया कैसन खेला करो। सस्तक न्यूज से आपको तहे दिल से धन्यवाद, जो कि आपने बहुत ही सुंदर मनीष कश्यप के लिए गाना गाया। और सस्तक आपको तहे दिल से धन्यवाद देती है। टिंकू जी एक बात कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आज मनीष कश्यप जेल में क्यों गया? सच बोलने के कारण। सच बोल दिया जेल में चला गया। वो भागलपुर वाला पुल के बारे में बहुत पहले आज वो कह चुका था कि पुल गिरेगा, पुल गिरेगा, सही तो पुल गिर गया। तो इससे जानते हैं क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि मनीष कश्यप जो इस सरकार में गलत काम हो रहा है उसको दिखा रहा था, जिसके चलते उसको फंसाया गया कि भाई इसको जल्दी जेल में डालो अन्यथा ये हम लोग का पोल खोल करके रख देगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि देशद्रोही है, एनएसए लग गया उनपे। एक बात कह रहे हैं हम आपके सच तक चैनल के माध्यम से, देशद्रोही कैसे हो सकता है जिसका बाप फौज में देश के लिए अपना जान निछावर करने के लिए तैयार है, उसके बेटे के ऊपर देशद्रोही लगाया जा रहा है? ये कहां का न्याय है? देशद्रोही मनीष कश्यप नहीं है। अगर देशद्रोही होता तो बेतिया में जैसे ही ट्रेन से उतरा फूलों की बारिश होने लगी, सभी लोग मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद। लेकिन तो, लोगों का यह भी कहना है कि मनीष कश्यप का घर बेतिया में ही है, इसीलिए बारिश हो रही है। तो फूलों की बारिश बेतिया में हुई, लेकिन पटना में लोग कहां से उतना पहुंच गए? ये किसी नेता का जो है ये भाषण नहीं था और किसी का प्रदर्शन नहीं था, ये मनीष कश्यप के दीवाने पहुंचे थे वहां पर। मनीष कश्यप विरोधियों को दिखाने के लिए मनीष कश्यप के दीवाने पहुंचे थे। तो सच तक न्यूज चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मनीष कश्यप देशद्रोही नहीं है, बिहार का लाल है, वो बिहार का धरोहर है, बिहार का जो है भविष्य है उसमें सब झलकता है। आज जिस तरह से भगवान, जिस तरह से कोई भी देवी देवता चाहे कोई भी ऋषि महात्मा अगर तपस्या करने लगता था तो इंद्र भगवान को कष्ट होता था कि भाई ये मेरा कोई इंद्रासन न छीन ले, जिसके चलते नाना प्रकार के प्रताड़ना इंद्र देवता प्रताड़ित कराते थे। वही हालत मनीष कश्यप के साथ। मनीष कश्यप से डर किसको है? जो गलत काम कर रहा है उसको मनीष कश्यप से डर है। आज मनीष कश्यप एक शेर है, शेर पिंजड़े में जितना दिन तक शेर रहता है, आज तमिलनाडु जेल मदुरई से पटना बेऊर जेल में मनीष कश्यप है। तो शेर जितने दिन तक पिंजरा में रहता है उतने खूंखार होता है वो, जब बाहर निकलेगा तो लोगों की शामत आ जाएगी। तो आज भोजपुरी में एगो कहावत बा कि दीनानाथ कचहरिया में न्याय होला। इस कचहरी में तो लोग इधर उधर फंसा देंगे, लेकिन वो कचहरी जो है ना ऊपर वाला के कचहरी, वहां पर सच्चा न्याय होता है और निश्चित होगा। तो हम अपने दिल से हृदय से कह रहे हैं कि मनीष कश्यप एक सच्चा सपूत है, भारत माँ का सपूत है, बिहार का लाल है। उसके लिए हम तहे दिल से जो है भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हे मालिक, जल्दी उस लड़का को आप जेल से बाहर कीजिए। वो लड़का जो है बिहार का धरोहर है, बिहार का भविष्य है। लेकिन बाबा आप बोल रहे हैं कि धरोहर है, भविष्य है, बिहार का लाल है, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि दंगा फैलाने वाला व्यक्ति है वो, जाकर तमिलनाडु में दंगा फंसाने वाला काम किया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर किया
तो बहुत चैनल वाले किए, बहुत लोग किए, मैंने यहाँ के बहुत ऐसे लोग जो है ट्वीट किए थे, तो उन लोगों पर क्यों नहीं लगा? आज बिहार, मनीष कश्यप किसके लड़ रहा है? बिहारियों के लिए। बिहारी जो है अदर स्टेट में जाते हैं तो उनका अपमान होता है, तो उनके मान सम्मान के लिए मनीष कश्यप लड़ा। और जो है मनीष कश्यप को मैंने फर्जी वीडियो बनाने के आरोप में फंसाया गया है, एनएसए लगा। एनएसए किसके ऊपर लगता है? जो देश के लिए खतरा हो, राष्ट्र के लिए खतरा हो, उसके ऊपर एनएसए लगता है। लेकिन आज मनीष कश्यप के ऊपर लगा है। बताइए, जिस परिवार से मनीष कश्यप आते हैं उसके पिताजी देश के लिए, देश का सेवा करते हैं, एक फौजी है। मनीष कश्यप एक फौजी का बेटा है, देशद्रोही नहीं हो सकता है, राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता बाबा। लेकिन तमिलनाडु की पुलिस 90 दिन तक उन लोगों के पास समय था, लेकिन कोई भी सबूत वो लोग नहीं जुटा पाई। इसीलिए यहां से जज साहब बोले हैं कि कोई भी सबूत नहीं मिली है, और यहां से भी जितने भी केसेस हैं उस पे बेल मिल रहा है। मिल रहा है, मिलेगा, जरूर छूटेगा। हम कह रहे हैं ना, मनीष कश्यप छूटेगा। और जो मनीष कश्यप के विपक्षी हैं, विरोधी हैं, वो तो नाना प्रकार के षड्यंत्र अभी रचेंगे। लेकिन भगवान के घर देर है, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कितने दिन तक सताओगे किसी को? जब किसी को सताओगे, हमने अपने एक दलान में एक बात लिखा है कि दूसरे को सताओगे तो तुम्हारे अपने सताए जाएंगे, निश्चित है। जैसा कीजिएगा वैसा फल पाइएगा। तो मनीष कश्यप से मेरा कहना है कि समय सबका एक जैसे नहीं रहता है। मनीष बाबू, आपके लिए मेरा आशीर्वाद है कि आप जल्द से जल्द जेल से निकलें और अपने चाहने वालों का सेवा करें, और हमेशा जो है अपने राष्ट्र के लिए, बिहार के लिए, और अपना कदम जो आगे बढ़ा दिए हैं उसको पीछे नहीं हटाना है। अगर बढ़ गए तो आगे बढ़ते रहो, यही मेरा निवेदन है। बाबा, जेल में रहने के बाद भी 15 अगस्त आने वाला है, और टी शर्ट आपने देखा ही होगा कि कौन सा पहन के निकले थे, क्या संदेश देना चाहते थे? वो संदेश देना मनीष कश्यप चाहते हैं कि मैं भारत का बेटा हूं, बिहार का बेटा हूं, और मेरे पुरखा पुरनिया भी इस देश के लिए अपने को कुर्बान कर दिए, तो मैं भी यहाँ के लोगों के लिए अपने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा, ऐसा जज्बा है उस लड़के में। जिस दिन मनीष कश्यप जी बेतिया कोर्ट में आए थे तमिलनाडु से ट्रेन द्वारा जी, तो हमको तो पता नहीं चला था, नहीं तो मनीष कश्यप के हम भी दीवाने हैं, हाँ निश्चित हम भी वहां पहुंचते, लेकिन हमको पता ही नहीं चला। लेकिन जब हमने देखा सोशल मीडिया पर कि जब मनीष कश्यप पहुंचते हैं तो लोग फूलों की बारिश करते हैं, जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम 14 वर्ष वन काट करके पहुंचे थे तो जोरदार तरीके से स्वागत हुआ था, ठीक उसी तरह से मनीष कश्यप जी का स्वागत हुआ। तो हमने देखा कि अरे भाई, हम तो इसमें शामिल नहीं हो सके, तो हमने सोचा कि काहे नहीं हम कवि हैं, अपने गीत के माध्यम से ऐसा गीत लिख दें कि मनीष कश्यप जी के सपोर्ट में हम भी शामिल हो जाएं, जब हमारा गीत लोग सुनेंगे तो लोग भी जान जाएं कि धुरंधर बाबा भी मनीष कश्यप के दीवाने हैं।